पिछले दिनों दौरान मणिपुर बहुत ही शर्मनाक घटना वापरी आ। विरोध में अज साडे गढ़ शंकर दीआं समूह जिहड़ियां जनतक जथेबंदियां वल्लों अज रोस मुजहरा किया जा रहा है, क्योंकि ये घटना आम जिहड़ी जी जागदी जमीर वाले लोगों हरेक की जमीर झंझोड़िया आ कि भारत देश इत्थे लोगों का राज लोकतंत्र दी कहा जाता आ, पर अज देखो किस तरह साडियां देश दीआं जिहड़ियां आ बेटियां नूं किस तरह घिसा जा रहा। इस तो पहला भी आप देख चुके हैं कि भलवान लड़कियों नाल इस तरह उन्होंने भाजपा के जिहड़े आ मुख अहुदेदार बैठे आ उन्होंने किया आ, उहदे लई उन्होंने लगातार धरना ला के बैठे रहे आ, पर उन्होंने कोई इंसाफ नहीं मिलिया, जिस करके अज इन्हां जिहड़े आ गुंडे लोगों के जिहड़े हौसले बढ़ रहे आ। पर असी अज लोक समूह इंसाफ संद लोगों को अपील करते हैं कि सानू साडा एकजुट होए तो बगैर साना नहीं हैगा। सो आप भी यह कोशिश करांगे कि गढ़ शंकर दे विच सारियां जथेबंदियां लैके एक बड़ा फ्रंट बनाइए ता जो आने वाले समय दे विच इस तरह की कोई घटना ना वापरे। साडा कन्याकुमारी तो कश्मीर तक जिहड़ा भी जूंदी जमीर वा उहनां नूं मणिपुर दीआं घटनावां ते नोट्स लैणा चाहीदा। उहदे च कोई गल आ ਉਹ ਮਤਈ ਦੇ ਗੁੰਡੇ ਜਿਹੜੇ ਆਰ ਐੱਸ ਐੱਸ ਦੇ ਗੁੰਡੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਮੋਦੀ ਦੇ ਸ਼ਾਹ ਦੀ ਸ਼ਹਿ ਪ੍ਰਾਪਤ ਆ ਵਰੇਨ ਸਿੰਘ ਆ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਧੀਆਂ ਨੂੰ ਨੰਗੇ ਕਰਕੇ ਘਮਾਣਾ 3 ਮਈ ਦੀ ਘਟਨਾ ਹੋਵੇ 80 ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਅਜਾਗਰ ਹੋਵੇ ਉਹ ਵੀ ਉਦੋਂ ਹੋਵੇ ਜਦੋਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਕਹਿੰਦਾ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਕੁਝ ਕਰਨਾ ਅਸੀਂ ਕਹਾਂਗੇ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੋਲਣਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣਨਾ ਦੇਖਣਾ ਸਿਖਾਉਣ ਲਈ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਖੜ ਜਾਣ ਹਰ ਗਲੀ 'ਚ ਹਰ ਕੂਚੇ 'ਚ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪੁਤਲੇ ਫੁੱਕੇ ਜਾਣ ਇਹਨਾਂ ਲਈ ਸੰਗਰਾਮ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਵਰੇਨ ਸਿੰਘ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਬਰਖਾਸਤ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਜਿਹੜੇ ਦੋਸ਼ੀ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਾਹੇ ਲਾਇਆ ਜਾਵੇ।